हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल। सो गाइस, कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में लोग जानने वाले हैं यूट्यूब चैनल के बारे में। जैसा कि आपको पता है, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था, अपना चैनल का नेम कैसे चेंज करें, अगर आपके पास यूट्यूब चैनल है तो उसका नेम कैसे चेंज कर सकते हैं, आज हम लोग बात करने वाले हैं। अगर आपका चैनल मोनेटाइज है तो उस कंडीशन में क्या आप अपने यूट्यूब चैनल का नेम चेंज कर सकते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं आपका यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम जो है वो ख़त्म हो जाएगा, आपका चैनल डिमोनेटाइज हो जाएगा, अर्निंग बंद हो जाएगा? ऐसा तो नहीं है, आपका एडसन हट जाएगा? सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, लाइव प्रूफ आपको दिखाने वाला हूँ। सो गाइस, मैंने, जैसा कि आपको पता है, मैंने अपना यूट्यूब चैनल का नेम चेंज कर दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा कि पहले मेरा यूट्यूब का जो नेम था वो इजी क्रिएटिव नॉलेज था, जिसे मैंने चेंज करके यहाँ पे फैज के सपोर्ट कर दिया। उसके बाद मेरा चैनल पे क्या हुआ, आप जानना चाहते हैं कि मेरे चैनल के साथ क्या हुआ, तो मैं बताने वाला हूँ सारा कुछ इस वीडियो में। सबसे पहले चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर आप अपने चैनल का नेम चेंज करते हैं, आपका चैनल मोनेटाइज होने के बाद, तो क्या सच में आपका चैनल डिमोनेटाइज हो जाता है? तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप चैनल मोनेटाइज करते हैं, अगर उसके बाद भी आप नेम चेंज करते हैं, जब तक आपका 1 लाख सब्सक्राइबर नहीं हो जाता है तब तक आप अपने चैनल का नेम चेंज कर सकते हैं। अगर आपका 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाता है तो उस कंडीशन में होता क्या है, आपके पास जो सिल्वर बटन आता है उस समय आपका चैनल जो है वो यूट्यूब की तरफ से वेरीफाई हो जाता है, जहाँ से वो आपका सिल्वर बटन आता है। अगर उस कंडीशन में आप चेंज करते हो तो वहाँ पर जो आपका सिल्वर बटन है वहाँ से जो वेरीफाई है वो ख़त्म हो जाता है, वापस से फिर आपको वेरीफाई करना पड़ता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर होता क्या है। चलते हैं हम लोग YT स्टूडियो में, देख लेते हैं, आपको लाइव प्रूफ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जो पहले मेरा था YouTube पार्टनर प्रोग्राम, वहाँ पे आता था हेलो इजी क्रिएटिव नॉलेज लिखकर, अभी क्या आ रहा, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे चले जाते हैं हम लोग, यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे YT स्टूडियो वाले पे चले जाते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिख कर आ रहा, हेलो फैज के सपोर्ट, यू आर ए यूट्यूब पार्टनर। यहाँ पे मेरा जो यूट्यूब पार्टनर है वो ख़त्म नहीं हुआ। अगर आप मोनेटाइज होने के बाद भी अपने चैनल का नेम चेंज करते हैं, हो सकता है आपका चैनल का नेम पसंद नहीं हो, हो सकता है जैसा कि मैंने आपको बताया ग्रो नहीं कर रहा होगा। ऐसा चैनल है जो सर्च करते हैं तो बहुत सारा चैनल एक साथ आ जाता है सेम नेम से, तब भी आप चेंज करना चाहते हैं तो आप आसानी से यहाँ पे कर सकते हो। आपका जो मोनेटाइजेशन है वो डीमोनेटाइज नहीं होता, यहाँ पर आपको मैंने दिखाया, और आपका अर्निंग जो है वो होता रहेगा, कुछ भी आपके चैनल पर इफ़ेक्ट नहीं करता। आप अपने मन से अपने चैनल का नेम यहाँ पर चेंज कर सकते हो। आप अगर चाहते हो कैसे अपने चैनल का नेम चेंज करना है तो मेरे वीडियो यहाँ पर देख सकते हैं, मैं अपने आई बटन पे यहाँ पे लगा दूंगा, तो मेरी वीडियो पूरी तरह वॉच करें और देखें यहाँ पे कैसे अपने चैनल को नेम चेंज कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल सिंपल तरीके से। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आप लोग को अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।